नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू टू द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में, जो कि हमारा सब फील्ड है ह्यूमन ज्योग्राफी का। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे नेचर क्या है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, स्कोप क्या है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, डेफिनेशंस क्या है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, मीनिंग क्या है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, ब्रांचेस क्या है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी। बेसिकली हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी होता क्या है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी दैट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का सब फील्ड है। ठीक, मतलब कि ह्यूमन ज्योग्राफी से निकली हुई ब्रांच है, जो कि हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको स्टडी करता है और जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किसी एक स्पेशल लैंडस्केप में, उनके बारे में स्टडी करता है। इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड अ सब फील्ड और मैथड इन इकोनॉमिक्स। जो हमारा ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ये सब फील्ड हमारा इकोनॉमिक्स में भी कंसिडर किया जा सकता है। ठीक, इकोनॉमिक ज्योग्राफी द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ developed from a focus on commercial activities and the exploitation of resources for economic gain। इसमें basically हम लोग discuss करते हैं economic activities के बारे में, resources का extraction कैसे किया जा रहा है, exploitation कैसे किया जा रहा है, और जो resources हैं उनसे हम money कैसे gain कर रहे हैं, economic activities कैसे involve कर रहे हैं, उनके बारे में जो study करते हैं वो basically हमारा economic geography में आता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी बेसिकली हमारा दो वर्ड से बना है, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी। इकोनॉमिक का मतलब हो जाता है जो फाइनेंशियल डीलिंग्स हो जाती हैं या फिर फाइनेंश जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो जाता है, और ज्योग्राफी बेसिकली हमारा किसी भी लैंडस्केप से, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करता है। ठीक, तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम ये दो एस्पेक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी टेक्स अ वैरायटी ऑफ अप्रोचेस टू मेनी डिफरेंट टॉपिक्स। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम बेसिकली अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो गया, इकोनॉमिक ऑफ एग्लोमरेशन हो गया, कि हम लोकेशन इंडस्ट्री की कौन सी लोकेशन रखें कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल आउटपुट निकले, बेटर प्रोडक्शन हो और कम से कम लागत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हमारी कहाँ पे अच्छी हैं, किस स्पेशल एरिया में या किस लैंडस्केप में। ठीक, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, हमारा डेवलपमेंट हो गया, रियल इस्टेट हो गया, जेंट्रीफिकेशन हो गया, एथनिक इकोनॉमिक्स हो गई, जेंडर्ड इकोनॉमिक्स हो गई, द इकोनॉमिक ऑफ अर्बन फॉर्म हो गया, द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड द इकोनॉमी। ठीक, इन्वायरमेंट से हम कैसे रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब उनको कैसे निकाल रहे हैं, उनका यूज़ कैसे कर रहे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन कैसे कर रहे हैं। ठीक, नाउ वी विल फोकस ऑन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। बेसिकली व्हाट इज़ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सो लेट अस सी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम बेसिकली फोकस करते हैं कि किसी भी एक लैंडस्केप पे, एक स्पेस पे या फिर एक एरिया में कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन क्या है, लोकेशन क्या है प्रोडक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है गुड्स एंड सर्विसेज की, एज वेल एज द पैटर्न ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और वहाँ पे बेसिकली पैटर्न कैसा अपनाया जा रहा है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने का, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो बेसिकली हमारा कोर कॉन्सेप्ट हो जाता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, क्योंकि इसमें हमारा इकोनॉमी या फिर मनी इन्वॉल्व हो जाता है, और ज्योग्राफी मतलब एक किसी भी हम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की या एक स्पेशल एरिया की एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, अब सब ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रिटेल हो गया, फाइनेंस हो गया एंड ट्रांसपोर्टेशन। इकोनॉमिक ज्योग्राफर्स लुक एट द वे इन विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अफेक्टेड बाय द फिजिकल एनवायरनमेंट,
जो हमारे इकोनॉमिक ज्योग्राफर हैं वो बेसिकली फोकस करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बेसिकली हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक, सच है, जैसे कि हमारा क्लाइमेट हो गया, लैंड हो गया एंड नेचुरल रिसोर्सेस हो गए, एज वेल एज सोशल एंड द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। जो जो बैड फैक्टर्स ये लिखे हुए हैं जैसे कि क्लाइमेट, लैंड, नेचुरल रिसोर्स, सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये बेसिकली प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को, कि कहीं के पे भाई टैक्स ज़्यादा लग गया तो वहाँ पे प्रोडक्शन हमारा अफेक्ट करेगा, वहाँ पे लैंड कैसा है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी है कि नहीं, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। दे ऑल्सो एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। जो हमारे इकोनॉमिक ज्योग्राफर हैं वो इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का या प्रोडक्शन का इन्वायरमेंट पे और सोसाइटी पे, उसको भी ऑब्जर्व करते हैं, एग्जामाइन करते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज़ अ वैल्यूएबल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल इकॉनमी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम बेसिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ग्लोबल इकॉनमी का बेस क्या है, किस पे स्टैंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं इकॉनमी को या फिर ग्लोबल इकॉनमी को, एंड इट्स इफेक्ट ऑन द पीपल, बिजनेस एंड रीजंस। और जो इसका आउटकम है वो किस प्रकार पीपल्स को, बिजनेस को और रीजंस को या फिर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे अफेक्ट करता है, कि उसके डेवलपमेंट कैसा होगा किसी भी एक स्पेस का, एरिया का, ठीक, उसको कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं हमारे इकोनॉमिक ज्योग्राफर। वी विल लुक टुवर्ड्स द नेचर ऑफ द इकोनॉमिक ज्योग्राफी। नेचर क्या है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, उसके बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन लैंडस्केप। जैसा कि हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी की ब्रांच है, वह स्टडी करती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे हो रहा है किसी भी स्पेस में, किसी भी लैंडस्केप में, ठीक, और उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है उस पर्टिकुलर लैंड में या लैंडस्केप पर, ठीक। इट एग्जामाइंस द लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक, ये बेसिकली फोकस करता है कि लोकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की किसी भी एक लैंडस्केप पे। फॉर एग्जाम्पल हमारा एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर की लोकेशन क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस कैसी हैं, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या फाइनेंशियल आउटपुट है, क्या प्रोडक्शन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक। इंडस्ट्री हो गई, ट्रेड हो गया, सर्विसेज हो गए, एंड हाउ दिस एक्टिविटी इंटरैक्ट विद द फिजिकल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। और ऑल दिस एक्टिविटी ह्यूमन इन्वायरमेंट और फिजिकल इन्वायरमेंट से कैसे रिलेट कर पाते हैं, ठीक, उनके बारे में स्टडी करना इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक्सप्लोर्स द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो एक्सप्लोर करती है, एक्सप्लोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक, सब फील्ड है, एक्सप्लोरिंग सब फील्ड, जो कि उन फैक्टर्स को एक्सप्लोर करता है जो कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाते हैं। रिसोर्स एलोकेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, रीजनल डिस्पैरिटीज़ हो गई, एंड अर्बन रूरल डायनेमिक्स हो गए। इट ऑल्सो इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक सिस्टम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। या यह भी इन्वेस्टिगेट करता है कि इकोनॉमिक सिस्टम और नेचुरल रिसोर्स के बीच में क्या लिंकअप है, क्या रिलेशन है, एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क एंड कल्चरल फैक्टर्स विद इन डिफरेंट रीजन्स एंड टेरेटरीज। बेसिकली ये बात कर रहा है कि अलग अलग कंट्रीज़ पे, अलग अलग लैंडस्केप पे, अलग अलग जगहों पे किस प्रकार जो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं वो नेचुरल रिसोर्स से कैसे लिंकअप हैं। भाई जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स का अबंडेंस में होंगे, ज़्यादा मात्रा में होंगे, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा कंसिडर होंगी और वहाँ पे फाइनल आउटपुट या प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। भाई समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल जहाँ पे शुगर केन ज़्यादा पाया जा रहा होगा, ठीक, वहाँ पे प्रोडक्शन और शुगर की केन से फाइनेंशियल आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा हमको, ठीक, और उससे हमारा सोशल फैक्टर और कल्चरल फैक्टर कैसे लिंक्ड अप है उसका एक्सप्लोरेशन ही हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में करते हैं, ठीक। नाउ वी विल स्टडी द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। वैसे तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बहुत से स्कोप हैं, बट यहाँ पे हम कुछ स्कोप के बारे में कंसिडर करेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज ब्रॉड एंड encompasses वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेट करते हुए बहुत से स्कोप हैं, बट सम की कंपोनेंट ऑफ इट्स स्कोप, हम सब
की कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे कि पहला हमारा हो गया लोकेशनल थ्योरी। लोकेशनल थ्योरी में बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन क्या होनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, इन्वेस्टमेंट कम हो। एनालिसिस ऑफ व्हाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर लोकेटेड वेयर दे आर। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, वो उसी जगह पे कहाँ कैसे क्यों सेटअप है, जहाँ पे वो सेटअप है उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की लोकेशन क्या होगी। एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लोकेशन डिसीजंस बाय फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी किस लोकेशन पे होगी। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी ऑफ हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस स्पेस। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो किसी भी स्पेस में किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्प्रेड है। ठीक, इंक्लूडिंग द पैटर्न ऑफ कंसंट्रेशन डिस्पर्जन एंड क्लस्टरिंग। ठीक, इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं कि कंसंट्रेशन कैसा है, डिस्पर्जन कैसा है, क्लस्टरिंग कैसी बन रही है। ठीक, अलग अलग लोकेशन पे, लैंडस्केप पे। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनल डेवलपमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द अनइवन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रेटजीज फॉर रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ ग्लोबलाइजेशन, इसमें क्या होता है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द स्पेशल डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें हम लोग एक्सप्लोर करते हैं स्पेशल डायमेंशंस को जो ग्लोबलाइजेशन में है, इंक्लूडिंग द फ्लो ऑफ गुड्स, कि जो गुड्स है उसका फ्लो किधर को है, किधर से किधर को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, कैपिटल क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन एंड पीपल अक्रॉस द बॉर्डर एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द लोकल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स। जो पीपल्स रहते हैं हमारे दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे लोकेलिटीज़ में, उनका इम्पैक्ट कैसा है हमारा ग्लोबल इकोनॉमी में या लोकल इकोनॉमी में। ठीक, अब जो दूसरा फैक्टर है वो हमारा अर्बन एंड रूरल इकोनॉमीज़। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़, जो इन्वेस्टिगेशन है पता करना है कि रूरल एरियाज़ में एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी हो रही हैं, अर्बन एरियाज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी हो रही हैं, इंक्लूडिंग द अर्बनाइजेशन प्रोसेस, लैंड यूज पैटर्न एंड द रोल ऑफ सिटीज़ इन द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक, जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं या रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे लैंड यूज़ पैटर्न कैसा है और रोल क्या है ग्लोबल इकोनॉमी में सिटीज़ का, उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो भी एक हमारा एस्पेक्ट है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक, किस प्रकार जो हमारी सिटीज़ हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी में अपना योगदान दे रही हैं, रूरल इकोनॉमी कैसा कैसे हमारा योगदान दे रही है देश की इकोनॉमी में, वो भी एक एस्पेक्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें बेसिकली हम लोग करते हैं एनालिसिस ऑफ द रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एसेसिबिलिटी इन शेपिंग इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड पीपल। इसमें हम बेसिकली फोकस करते हैं कि किस प्रकार हमारा जो गुड्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो रहा है, हमको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो हमारा फैक्टर आता है वो हो गया हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होता है, स्टडी ऑफ द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो किस प्रकार अलग अलग लैंडस्केप में अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन कैसे हो रहा है, उनका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, उनसे रिलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे हो रही हैं। ठीक, और उनसे एसोसिएटेड जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है, जैसे कि हमारा माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, जिसमें हम रिसोर्सेज से लिंक्ड एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर उनसे हमारा फाइनेंशियल आउटपुट होता है, तो ये हमारा एक इकोनॉमी का पार्ट हो गया, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक स्पेशल एस्पेक्ट है तो ये एक ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक स्कोप है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाता है ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ट्रेड से हमारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है उसके बारे में स्टडी करना, जैसे कि हमारा एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रेड फ्लो, ट्रेड कैसे हो रहा है उसके फ्लो को मॉनिटर करना, ट्रेड पॉलिसीज़ को बनाना, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनिशिएटिव करना, जैसे कि हमारा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, कॉन्टिनेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है, जैसे नाफ्टा हो गया, सार्क हो गया। ठीक, इन देयर इम्प्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफीज एट अ लोकल रीजनल एंड ग्लोबल लेवल। ये लोकल लेवल पे भी ऑर्गेनाइजेशंस बन सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे भी बन सकते हैं। ठीक,
इसके बाद हमारा जो फैक्टर आता है वो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इनटू इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से किस प्रकार लिंक्ड हैं उनके बारे में जानना, इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द इन्वायरमेंट एंड द रोल ऑफ इन्वायरमेंट पॉलिसीज इन शेपिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक, इसमें बेसिकली फोकस करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसी भी लैंडस्केप पे कैसे हो रही हैं, वो इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट कर रही हैं, तो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रही हैं, इफेक्ट कर रही हैं, तो उससे रिलेटेड हम कैसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उन पॉलिसीज़ का हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे क्या इन्फ्लुएंस होगा, उसके बारे में जानना हमारा जो है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। उसके बाद जो हमारा फैक्टर वो है कल्चरल और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, consideration of the cultural, social, institutional factors that influence economic behavior. Society कैसी है, वहाँ पर culture कैसा follow किया जा रहा है। ठीक, तो वो भी हमारा जो impact करता है economic behavior को, economic systems को, regional economic disparities को। ठीक, उसके बारे में भी जानना एक scope होगा हमारे economic geography का। Overall the scope of economic geography is interdisciplinary. ठीक, जो हमारा ओवरऑल स्कोप है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का वो इंटरडिसिप्लिनरी है, ड्राइंग ऑन द कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ मेथड्स फ्रॉम ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड अदर फील्ड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बिटवीन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द स्पेशल इन्वायरमेंट। स्पेशल इन्वायरमेंट के साथ हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे लिंकअप कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना और उनके बारे में और एक्सप्लोर करना, इन्वेस्टिगेट करना, यही बेसिकली हमारा स्कोप है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। ठीक, इसमें अलग अलग से सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए यह इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। जैसे कि इसमें हमारा ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स लिंक्ड हो जाता है, सोशियोलॉजी लिंक्ड हो जाता है, पॉलिटिकल साइंस लिंक हो जाता है। ठीक, तो इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी है इसका ब्रॉडर स्कोप हो सकता है। ठीक, ज्योग्राफी के बारे में अगर हम देखें तो इसमें बेसिकली हमारी तीन ब्रांचेस हो जाती हैं, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी हो गया, इसमें हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर या रॉ प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है। दूसरा जो होगा हमारा इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, जो रॉ प्रोडक्ट आ रहा है उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्जन का काम कहाँ हो रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाता है कॉमर्शियल ज्योग्राफी, जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, एक दूसरे को बेचते हैं अपने सामान को, उससे रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, तो ये बेसिकली हमारी ब्रांचेस थे, तीन मेन सब ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, और भी ब्रांचेस हो सकती हैं, जैसे कि हमारा डेवलपमेंटल ज्योग्राफी है, और भी ब्रांचेस हो सकती हैं, बट ये तीन मेन ब्रांचेस हैं, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, कॉमर्शियल ज्योग्राफी। तो ये हमारा वीडियो था इकोनॉमिक ज्योग्राफी को लेकर। आगे की वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके हर एक एस्पेक्ट को एनालाइज करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें। And if you want more such educational content from me like this video, so stay connected with me. Thank you and see you in the next, and Jai Hind Doston.